जादुई टीवी। सुनो, तुम्हारे बाबूजी तो कब के गुजर गए, अब उनका जो सामान है वो पड़े पड़े कबाड़ा हो रहा है, बेच ही दो, कुछ पैसे आ जाएंगे। बात तो सही है, अगले संडे फुर्सत में यही करेंगे। अगले संडे रोहित सारा सामान कबाड़ी को घर बुला के दे देता है। तभी उसकी नजर बाबूजी की पुरानी टीवी पर जाती है, जो इतने सालों तक कूड़े में पड़ी थी फिर भी चमचमा रही थी। टीवी तो देखो जैसे एकदम नई हो। हाँ, बाबूजी को टीवी देखना बहुत पसंद था, उनका सपना था कि वो टीवी पे आए। एक बार मौका भी था जब वो अपने गांव के गाने सुनाने किसी चैनल पर जाने वाले थे, पर मैं और मेरा भाई लड़ पड़े और बाबूजी को घर पर ही रुकना पड़ा। चला के देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लेते हैं, शायद ही चले। बाबूजी ने उस लड़ाई के दिन के बाद टीवी देखना ही छोड़ दिया था। टीवी चालू करने के लिए उसमें केबल वायर लगा दिया जाता है, एक न्यूज चैनल चालू हो जाती है। स्वर्ग की सीढ़ी के रास्ते हैं तीन, तीनों के तीन रास्ते हैं संगीन। पहला रास्ता है सांप की बीन, दूसरा रास्ता घर में बिछा कालीन, तीसरा रास्ता कलकत्ता से चीन। ये क्या बकवास खबर है, कुछ अच्छा लगा दो। अरे आप बोलो तो सही, कोई अच्छी खबर सुना देता हूँ, मेरा तो काम ही खबर देना है। अरे बाप रे, टीवी बात कर रही है। हाँ, ये न्यूज वाला मुझसे। हाँ हाँ, आपसे ही तो बात करूंगा ना, आपके घर में हूँ तो। अरे ये सपना है क्या, तुम हमसे बात नहीं कर सकते? अरे सपना नहीं भाई साहब, ये टीवी जादुई टीवी है। बोलो क्या खबर सुननी है, वरना ब्रेक लेने का टाइम आ जाएगा। सुप्रिया घबरा के टीवी बंद कर देती है। वो क्या था? अरे एक बार और चालू करके देखे, फिर से बात करेगा तो चैनल बदल देंगे। सुप्रिया फिर टीवी चालू कर देती है। अरे ऐसा कोई मुंह पे टीवी बंद करके जाता है क्या, मुझे बुरा लगा आपका नेचर। चाय पानी तो पूछो। सुप्रिया टीवी के बटन से चैनल बदल देती है। अब टीवी पर एक फिल्म चल रही है। अरे ये तो सूर्यवंशम है ना? हाँ, और ये ठाकुर को जहर की खीर दे दी और उसको पता भी नहीं है। ए भाई खीर मत पीना, उसमें जहर है, मत पीना। ठीक है महाशय, जैसा आप कहें। हाँ। अरे आपकी बात मान ली, पूरी पिक्चर ही अब तो बदल जाएगी। मतलब ये सच में जादुई टीवी है? तभी वहाँ कबाड़ी आ जाता है। भैया टीवी के 150 रुपए दूंगा, चलेगा? अरे 150 करोड़ में भी ना दे तुमको ये टीवी हम। अरे 150 करोड़ खरीदने को होते तो तुम्हारे घर में ये पानी चाय नहीं पीता, अंबानी या टाटा के घर बैठा कोल्ड कॉफी पीता। रोहित कबाड़ी का हिसाब करके उसे वहाँ से चलता करता है और अपने भाई शशिकांत को फोन लगा के बुलाता है। शशि थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। क्या हो गया भैया? अरे बाबूजी का टीवी याद है? हाँ हाँ, जिसमें घुसे रहते थे हमेशा वो, और अपने को कुछ नहीं देखने देते थे। अरे वो अब जादुई टीवी बन गया है। भैया आपकी बकवास करने की आदत अब तक नहीं गई। अरे आपके घर में बच्चे हैं, अब तो बड़ों जैसी बात करो। रोहित जाके टीवी चालू कर देता है। टीवी पर एक जादू का शो हो रहा है जिसमें एक जादूगर है। अब मैं अपनी टोपी में से कबूतर निकालूंगा। श्रिंग ब्रिंग शरिंग बम फोपा फुफी फुफा बाउ। टीवी से कबूतर निकलता है और शशिकांत के सर पर आकर बैठ जाता है। भैया ये क्या हो रहा है, भैया इसे उड़ाओ। एक कबूतर जा जा, कबूतर चल निकल। अब मैं टोपी में से सांप। सांप सुनते ही शशिकांत कांप जाता है और भाग के टीवी बंद कर देता है। भैया सॉरी भैया, मैं समझ गया ये सच में जादुई टीवी है, पर एक बार और ट्राई करते हैं। पर भाभी कोई दूसरा चैनल लगा हुआ,
जिसमें डर ना लगे। सुप्रिया टीवी चला देती है और न्यूज लगा देती है। अरे कितने दिनों बाद मुझे याद आया, बताइए क्या खबर सुनाओ और ये नया आदमी कौन है? ये मेरा भाई है शशिकांत। यस, वही है ना जिससे तुम लड़ लिए थे किसी बात पे और तुम्हारे बुढ़ाओ पिताजी गुस्सा हो गए थे और टीवी को संन्यास दे दिया था। हैं? तुमको कैसे पता ये सब? इस टीवी में रहने वाले आदमी से लेकर कबूतर तक को तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी बातें पता है, इसलिए तो ये जादुई टीवी है। ये टीवी क्या कर सकती है वैसे? तुम जो मांगो दे सकती है, कहानी बदल सकते हो, खबर बदल सकते हो, कोई चीज मांग सकते हो। अरे भैया ये टीवी मैं लेके जा रहा हूँ, बाबूजी का लाडला तो मैं ही था ना। अरे ऐसे कैसे, मैं बड़ा बेटा था, अब तक मेरे घर में टीवी थी ना, अब तक कहाँ गए थे पिताजी के लाडले? तुम्हारी गलती का एहसास भी है? अरे भैया ज्यादा ना बोलो वरना भूल गए, आपके दांत तोड़ दिए थे मैंने उस लड़ाई में। मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करता है, रुक। दोनों भाई हाथापाई पे उतर जाते हैं। रुक बताता हूँ तुझे कि कौन बड़ा है। अरे छोटे का दम तो देख लीजिए आप। ये खबर आपके बाबूजी को देता हूँ। तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। अरे शायद टीवी नाराज हो गया, और लड़ लो आए बड़े खली बनने। टीवी से एक तेज रोशनी निकलती है और टीवी में बाबूजी दिखाई देते हैं। बाबूजी आप? इतना चकरा क्यों रहा है, अपने बाप को नहीं पहचानता क्या? ये तो ऐसा ही है बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। अरे चुप कर, तुम दोनों ही उल्टे हो, तुम्हारी वजह से मैंने टीवी में आने के सपने को छोड़ दिया, तुम्हारी लड़ाई की वजह से। और तो और, जितना मैं अपनी बीवी को नहीं देखता था उतना टीवी को देखता था, वो भी छोड़ दिया तुम दोनों की लड़ाई की वजह से। और अब मरने के बाद जब मैंने टीवी को जादुई टीवी बना दिया तो भी तुम इसका फल लेने की जगह लड़ रहे हो। अरे तुम तो लायक ही नहीं हो, अब तुमको बाबाजी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। बाबूजी चले जाते हैं, टीवी बंद हो जाता है। रोहित और शशिकांत गिड़गिड़ा के टीवी के सामने हाथ जोड़ के बाबूजी को बुलाते हैं, पर टीवी सिर्फ धुआं निकालता रहता है।